मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए, तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए वो, उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयाँ बहुत तरह रहेंगे, खाली रावण तो पकड़ के तुल चलता है। तो मैं अपने मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अच्छे नेचर को दुनिया के सामने रखना, एटीट्यूड के साथ काम करना, बट जिंदगी को एटीट्यूड के साथ मत जीना। रीजन की एटीट्यूड आपके काम में होगी ना तो दुनिया आपको पसंद करेगी, लेकिन एटीट्यूड अगर आपके नेचर में होगा तो शायद आपके अपने परिवार भी आपको छोड़ देगा। इसीलिए जिंदगी में हमेशा एटीट्यूड अपने काम में रखिए। तो एक किस्सा बताता हूँ आपको। एक बार भगवान शिव और पार्वती में ठन गई। माँ पार्वती यही बोली कि भगवान ये बताइए कि लोग गुजरले के काहे उजरेला। भगवान को लेकिन बेमतलब काहे के फेरा में परल बढ़ू, चलो खाना पीना बनाओ अस्थिर हो जा। तो ना जल्दी आप बताइएगा नहीं तब तक हम खाना नहीं बनाएंगे। कुछ देर के बाद माँ पार्वती इस बात को भूल गई कि मैंने क्या पूछा था। भगवान बोले कि चलो जंगल में चलते हैं। जंगल में जाने के बाद बोले भगवान कि कुछ बनाओ पार्वती, कुछ भूख सी लगी है मुझे। तो माँ ने लकड़ी लाया, ईंटा लाया, खाना बना के उनके सामने परोस दी। तो भगवान पूछे कि बताओ कि लकड़ी कहाँ से आया तो मैं यहाँ से लाई, भांग कहाँ से आया तो यहाँ से आया, ईंटा कहाँ से आया तो बोले कि दो ईंट था तो एक ईंट वो इनार था, उस इनार में एक इनार थोड़ा सा ढह गया था और दूसरा ठीक था। तो उन्होंने बोला तो किस में से ईंटा लाई, तो जो ढह गया था उसी में से लेके चलिए। तो उनका शब्द था कि जब तुम दुनिया के मालकिन होकर उजरे हुए एक इनार को उजार के आ गई तो तुम कैसे सोचती हो कि इंसान वो बरियार के पास जाएगा। तो जिंदगी में हर आदमी उसी को दबाना चाहता है जो कमजोर होता है। हम अच्छे गाने की कोशिश करते हैं, हम अच्छा कंटेंट आप सबके बीच में देने की कोशिश करते हैं ताकि आपका हम भरपूर मनोरंजन करा सकें, आपको कभी ठेस ना पहुंचे हमारे बातों से, हमारे संगीत से, हमारे गाने से,